पहले तो वीडियो देख के मुझे यकीन ही नहीं आया, फिर मैंने दोबारा से कहा, मैंने कहा यार बिग बी नहीं, नाइस यार। मानती हो ना? फिर मानती तो मैं आपको भी हूँ और सितारा को भी। मतलब अगर वो इल्जाम मुझ पे लगा होता तो मैं तो जीते जी मर जाती बिग बी। सितारा में बहुत पेशेंस है, बहुत बर्दाश्त करती है वो। लेकिन ना पता, उनको वो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था, बेचारी इतनी एम्बैरस हुई थी उस वक्त, सच में। तभी तो मैं उसकी हमेशा साइड लेता हूँ, बिकॉज़ मैं जानता हूँ कि वो दिल की बहुत साफ है, उसकी नीयत भी बहुत साफ है। और इस बार तो मुझे यकीन था कि मैं उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई ना कोई सबूत ढूंढ निकालूंगा, और मैंने ढूंढ लिया। वैसे नगो मुमानी इस हद तक जाएंगी, ऐसा आपने सोचा था? इस घर में जो कुछ हो रहा है तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हो तो रहा है ना वो। लेकिन सब कुछ अम्मी की जिद की वजह से हो रहा है। अम्मी जिद ना लगाती ना कि उनकी तीनों भतीजों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो आज घर का ये माहौल ना होता। बात तो सही है आपकी। वैसे मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि जो तीन लड़कियों वाला मामला चल रहा है, इसमें आपका क्या मतलब रद्द अमल है? आप क्या सोचते हैं? लास्ट कॉल तो आपकी है और करना भी जल्दी है, तो क्या सीन है आपका, समझ आएगा? खैर बाकी को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुमने एक बात नोट की आज। क्या? जब सब सितारा को ब्लेम कर रहे थे, सिर्फ हीर थी जिसने कहा था कि सितारा ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इन तीनों में से मुझे हीर अच्छी लग रही है। कि तुम तो जानती हो ना यार, ये शादी का फैसला इतनी आसानी से थोड़ी होता, ये कोई चार टास्क करवा के ये फैसला तो नहीं लिया जा सकता ना। वैसे मेरी नजर में जो इंसान जिसकी किस्मत पे जहां होता है वो उसको मिल ही जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको कुछ पसंद हो, वो आपकी किस्मत में ना लिखा हो, तो आप जी जान लगा दें उसको हासिल करने के लिए, और अगर फिर भी आपको ना मिले तो फिर दुनिया से लड़के छीन लो उसे। और आप तो ऐसा कर भी लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, इस पूरे घर में जितने लोग हैं, मुझे उन सब में से ज्यादा किसकी फिक्र है? सितारा की। बिल्कुल ठीक। अरे आप तो मुझे बहुत जानते हैं। लेकिन हम सिर्फ उसकी फिक्र ही कर सकते हैं। मैं तो खुद उसको समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन उसको है कि मेरी बात समझ ही नहीं आती है। हद नहीं हो गई, जिस दिन उसको डांटनी पड़ती है ना, ऐसा लगता है कि उसका दिन ही कम्प्लीट नहीं हुआ है। बंदा क्या करे, किस तरह समझाए उसको? एग्जैक्टली फिक्र करने के सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, उसको कौन सा असर होने वाला है? गेम कंटिन्यू करें।